आज एक और हक की फतह हुई है, एक झूठे केस से सेक्शन 249A के तहत जो दरख्वास्त लगाई थी हमारे वकला की जाने से वो मंजूर हो गई है। और एक जो झूठा इल्ज़ाम था कि हमने सिटी कोर्ट से हसन लियाजी को फरार कराया, झूठा इल्ज़ाम था, बहुत सारे झूठे इल्ज़ाम हैं। आज उस केस से अल्हम्दुलिल्लाह हम बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। वो केस हमारी मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त मंजूर हो गई है। मैं कहता हूँ सारे झूठे केसेस हैं, सारे टोपी ड्रामे हैं, ये प्रोसिक्यूशन के, पुलिस के, सबके, मतलब हम कैसे, मैं बताना चाहता हूँ हसन लियाजी को इसी एडिशनल एडीजे साहब ने डिस्चार्ज किया था, केस को कोर्ट ने 63 में डिस्चार्ज किया था, उसका डिस्चार्ज किया, केस खत्म किया था, कोर्ट ने इल्ज़ाम लगा दिया हमारे ऊपर कि हम शायद वो छुड़ा के ले गए। ये बहुत क्या तमाशे हुए। और मैं पिछले मार्च से अब तक मैं अदालत को, जेल से भी कोर्ट आता रहा। हम कहते हैं ना, हमें एक ही उम्मीद है, और ख़ासतौर पे मुझे जो छोटी अदलिया है उसको अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से ज़्यादा हमें एक हक इंसाफ कानून के तहत रिलीफ मिलता है, और केसेस डिस्चार्ज भी होते हैं, स्थिति में खारिज भी होते हैं। आज मैं सलाम पेश करता हूँ कानून को, आइन को, और इंशाल्लाह तमाम केसेस, इमरान खान के 200 केसेस हो या हमारे वर्कर्स के केसेस हो, सारे झूठे हैं, झूठ का पलंद है, इंशाल्लाह सब फारिग होंगे और इंशाल्लाह इमरान खान वज़ीर आज़म होंगे इंशाल्लाह। मैं अपने वकला का, अपने ILF का, अपने साथियों का, मरवत साहब का, जलवानी साहब का, शिजात भाई हैं, नूर मलिक साहब हैं, अशरफ समो साहब हैं, और दीगर भी हमारे नज़रुल्लाह महसूस साहब हैं, जो भी हैं, और रब नवाज शर साहब हैं, मैं तमाम वकला का अपने बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ।